तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम रोशन सिंह सोड़ी के केस में अब एक और नया अपडेट सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुचरण सिंह 27 ईमेल का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्या सोड़ी ने ही खुद अपने लापता होने की साजिश रची है? क्या है 27 ईमेल और 2 फोन इस्तेमाल करने के पीछे इसका कनेक्शन? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोड़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल 2024 से लापता हैं। लगभग अब 20 दिन बीत चुके हैं और उनकी कोई खैर खबर नहीं है। गुरुचरण सिंह का पूरा परिवार उनके अचानक गायब होने से सदमे में है और फैंस भी लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही लौट आए। वहीं पुलिस को रोशन सिंह सोड़ी के केस में नई अपडेट्स हाथ लगी हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुचरण सिंह 27 ईमेल का इस्तेमाल कर रहे थे। गुरुचरण सिंह की गुमशुदगी की जांच में पुलिस को कई सबूत मिले हैं। वहीं पीटीआई के मुताबिक गुरुचरण सिंह को इस बात का अंदाजा था कि उनके ऊपर किसी की नजर है। ऐसा माना जा रहा है कि एक्टर को किसी बात का डर था, इस वजह से उन्होंने 27 अलग अलग ईमेल का यूज किया था। इतना ही नहीं, गुरुचरण सिंह 2 फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक तारक मेहता फेम एक्टर को इस बात का शक था कि उन पर कोई नजर रखा हुआ है। यही वजह है कि वो 10 से ज्यादा अकाउंट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। बता दें कि गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद से ही गुरुचरण सिंह लापता है। 51 साल के एक्टर गुरुचरण सिंह ने अपने सोड़ी के किरदार से घर घर में पहचान बनाई थी। उनके फैंस के साथ साथ घर वालों को भी काफी टेंशन हो रही है। इस बात से हर कोई हैरान है कि 20 दिन से लापता होने के बावजूद भी एक्टर का कोई अता पता नहीं है। गुरुचरण सिंह का फोन 22 अप्रैल की रात से ही लगातार बंद आ रहा है। अब ये नया अपडेट सामने आने के बाद ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, कहीं गुरुचरण सिंह ने खुद ही तो अपने लापता होने की साजिश नहीं रची है। 10 बैंक अकाउंट, 2 मोबाइल फोन, 27 ईमेल के सामने आने के बाद यही लोग कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि कहीं सोड़ी इस साजिश को खुद तो नहीं रच रहे थे। आखिर क्या इसके पीछे उनका मकसद हो सकता है? 20 दिन से लापता हैं और उनके घर वाले परेशान हैं। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा खुद किया है तो वो इस बात को बखूबी जानते होंगे और इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह भी होगी। तभी उनको ये भी परवाह नहीं है कि जिस पिता से वो इतना प्यार करते थे उनको छोड़कर बिना कोई खबर दिए वो गायब हैं और अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आखिर वो कब लौट कर आएंगे, इसकी चिंता तो सभी को है ही, साथ ही साथ फैंस भी लगातार इसकी दुआ कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।